कल आपने देखा था फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपने बाह्य और आंतरिक फर्टिलाइजेशन देखा। बाह्य फर्टिलाइजेशन से क्या हानि है, इसके बारे में भी आप लोगों ने देखा। चलिए आज अंड प्रजक और सजीव प्रजक में डिफरेंस देखते हैं कि अंड प्रजक क्या होता है, ओविपायरस और वेविपायरस दो। अंड प्रजक और सजीव प्रजक, ये दो शब्द है। यानी कि अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले, ये दो कंडीशन यहां पर है। तो दोनों की तुलना करना है कि जो ये अंड प्रजक होते हैं उनका जो शिशु है उसका जीवन सजीव प्रजक की तुलना में अत्यंत जोखिम भरा हुआ होता है, जो अन्य प्रजक है उनके शिशुओं का जीवन, उनके बच्चों का जीवन जोखिम भरा हुआ होता है। क्यों होता है? जैसे आप देखेंगे फिश, फिश मीन्स मछली, फ्रॉग में, ये दोनों अंड प्रजक है, जलीय जीव है। ऐसे जो जलीय जीव अंड प्रजक है, इन्हें अंडे देने पर क्या प्रॉब्लम होती है कि ये हमेशा अपने अंडों के पास नहीं रहते। इन्हें भोजन के लिए या किसी भी कार्य के लिए अपने अंडों से दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण इनके जो अंडे होते हैं वो परभक्षी द्वारा शिकार हो जाते हैं। परभक्षी मतलब जो दूसरे जीवों का भक्षण करने वाला, परमाणु दूसरा भक्षण मतलब भक्षण करने वाला, जो दूसरों का भक्षण करने वाला है तो उनके द्वारा शिकार हो जाता है। या फिर जो टेम्परेचर है, ताप है, वातावरणीय परिस्थिति ताप है, पीएच है, दाब है, आदि के कारण भी इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। इनको कोई भी जो है प्रोटेक्शन सुरक्षा नहीं मिल पाती है, जबकि जो सजीव प्रजक है, स्तनधारी है, इनके जो शिशु होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर, इनका एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, इनका एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है और माता के शरीर से निर्मित भोज पदार्थ को ही पोषण के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए इसको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षित रहता है और अपना जीवन
आगे सामान्य रूप से व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से ये अन्य प्रजक और सजीव प्रजक, कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सजीव प्रजक की तुलना में अन्य प्रजक का जीवन जोखिम भरा हुआ होता है, स्पष्ट कीजिए, तो आप इस प्रश्न के माध्यम से आप जान सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं फ्लावर के विषय में, फर्टिलाइजेशन में ही है आप फ्लावर। आपको हमने कक्षा 11 में फ्लावर के विषय में टैक्सोनॉमी के अंतर्गत बताया है। पहले तो आप देखिए फ्लावर है क्या, हमने आपको बताया है कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि पुष्प पत्ती की रूपांतरित संरचना है। ये पुष्प जो है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनि माने एक, यूनि यानी कि एक लिंगी पुष्प। बाइसेक्सुअल, बाई माने दो, यानी कि दो लिंगी पुष्प। एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी पुष्प क्या होता है, जैसे आप इस समय सबसे ज्यादा जो सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कद्दू, कोहड़ा, या इससे पहले भी आपने देखे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इसका आपने इस्तेमाल किया है। तो जो कुकुरबिटा है, कद्दू है, इसका जो पुष्प होता है वह यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक लिंगी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो मेल और फीमेल दो सेक्स ऑर्गन है, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ये आप देखेंगे जैसे मेल में है स्टोमेन है, पुंकेसर जिसको आप कहते हैं स्टोमेन, स्टोमेन मीन्स पुंकेसर, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वह कार्पेल अंडक, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, कार्पेल, कार्पेल। तो इस प्रकार से जिसमें ये दोनों भाग अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं वो यूनिसेक्सुअल होता है। तो जो हमने ये उदाहरण बताए आपको, लौकी है, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, और इनका जो स्टोमेन होता है सिनेंड्राउस होता है। जैसे आपने कद्दू देखा होगा तो कद्दू में इस प्रकार से जितने भी आए थे इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई दी होगी, ऐसे जो है संरचना आपको दिखाई दे होंगे, जितने भी पुंकेसर होते हैं सभी के सभी इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, और
इस प्रकार से सारे के सारे फिलामेंट और एंथर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन को सिनेंड्राउस कहा जाता है। जब फिलामेंट और एंथर आपस में जुड़े हुए सिनेंड्राउस, तो कद्दू में यह प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है, सिनेंड्राउस आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो इसका कार्पेल होता है वो ट्राई कार्पेल ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्राई कार्पेल ही क्या होता है, जिसे आपने देखा होगा कि कद्दू को जो है जो काटते हैं या खीरा काटते हैं तो उसमें आप जो गोल भी काटे उसका जो है अनुप्रस्थ इस प्रकार से काटेंगे तो आप देखेंगे उसमें ऐसे जो तीन भाग में आपको दिखाई देंगे, ये जो तीन भाग है उसके बीज सजे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर इसमें भी बीज रहेंगे, इसमें भी बीज रहेंगे, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर ये सब स्थान खाली रहेगा। तो ऐसे में जो संरचनाएं दिखाई दे रही है यही इसका कार्पेल है, तीन कार्पेल है, इसलिए ये जो है ट्राई कार्पेल होती है। कैसे होती है? ट्राई कार्पेल। और इसमें जो होता है ट्राई कार्पेल के साथ साथ जो है इसकी ओवरी जो होती है इंफीरियर होती है। ओवरी कैसे होती है? इसकी इंफीरियर होती है। क्यों? अब सुपीरियर और इंफीरियर की क्या बात आती है कि इंफीरियर ओवरी कब होगी? जैसे आप देखेंगे कि जो फल है जिसको आप खाते हैं जिसको ओवरी कहते हैं, ये कुछ तो ऐसे होते हैं कि इस फल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ फूल लगे रहते हैं, फूल ऊपर लगे रहते हैं, जैसे कद्दू में आप देखेंगे तो सब फूल जो है यहाँ ऊपर लगा रहता है। तो अगर जो इस फल के ऊपर यहाँ पर इसके ओवरी के ऊपर जो लगे हुए हैं फूल, तो इसको जो है हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं। और यदि जो पुष्प के जैसे सेपल है, पेटल है, स्टॉमेन है, आज यहां से अगर निकले इस भाग से निकलता है तो ओवरी सुपीरियर कहलाती है। इसलिए ऐसी कंडीशन में ये ओवरी कैसी है? ओवरी इंफीरियर ओवरी कहलाती है। तो इसमें ओवरी इंफीरियर होती है। और जो प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है वो प्लेसेंटेशन जो होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये कद्दू का है, जैसे आप देखेंगे अगर उसको हम इसका सूत्र में लिख रहे हैं, ये जो है अगर ऐसा है तो इसको समझ लीजिए कि मेल है, इसमें के आर काइनेज काइनेज फाइव होता है, से आर क्रोला क्लोरा क्या क्रोला मीन फाइव होता है, और इसमें एंड्रोसियम एफ आर एंड्रोसियम एंड्रोसियम भी आते फाइव, और इसमें गाइनोसियम जो है वो एब्सेंट होगा जीरो, इसको हम देखते हैं ये गाइनोसियम इसमें एब्सेंट है। अगर हम इस मेन पार्ट में इसे देखेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा के फाइव से फाइव, और अब यहां पर ये एंड्रोसियम यानी पुंकेसर वाला भाग कुमंग वाला भाग अनुपस्थित में जीरो लिख देंगे। गाइनोसियम चूंकि अभी आपने देखा कि ट्राई कार्पेल है, ये ट्राई कार्पेल है और सभी कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे, और ओवरी कैसी होती है? इंटीरियर होती है। तो इस प्रकार से ओवरी सुपीरियर और इंटीरियर एक हम लोगों ने इसमें देखा। अब इसके साथ साथ जो है
कुछ ऐसे भी जो दूसरा हमने लिखा है कि बाइसेक्सुअल में भी कौन से कैसे उस पर है। जैसे आप देखेंगे कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे सरसों का उदाहरण आप देख लीजिए, सरसों के उस ऐसे होते हैं इस प्रकार से सरसों का पुष्प और उसकी संरचना देखिए। या आप यह देखेंगे ऐसी संरचना गई, फिर ये आई है यहां पर ये संरचना, और यहां से फिर इस प्रकार से संख्या में छाप होते हैं जो कि निकले हुए होते हैं, जिसमें चार बड़े होते हैं और दो छोटे होते हैं। अब यहां पर आप देखें कि जो ये हिस्सा है इसको आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये हिस्सा कार्पेल का है, ओवरी है, ओवरी है, ये इसका पेटल है, ये हिस्सा इसका सेपल है, और ये जो है स्टॉमेन है, ये स्टिग्मा है। क्लियर? तो इस प्रकार से स्टिग्मा है, स्टॉमेन है, एक दोनों पार्ट उपस्थित है, ओवरी उपस्थित है, ऐसी दशा में यह है बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होगा, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्सांगल दोनों उपस्थित है। इस तरह से आप लोगों ने देखा एक लिंगी द्विलिंगी और अंड प्रजक सजीव प्रजक। इसके बाद आगे कल पुनः, धन्यवाद।